हेलो किसान भाई, हैप्पी गोट फार्म आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। आज प्रिया गोट फार्म पर बरबरी नस्ल की बकरियां कल रात को उतरी हैं, तो बरबरिया बकरियां यहां से ट्रेडिंग भी करते हैं हम लोग प्रिया गोट फार्म। तो आइए किसान भाई, आप सभी को दिखाते हैं बरबरी नस्ल की बेहतरीन बकरियां और सारी सारी लोडेड बकरियाँ हैं। तो आज का वीडियो उसी पर आधारित है, तो चलते हैं फार्म के अंदर किसान भाइयों। यहाँ पे मुर्गियाँ भी हैं किसान भाइयों, बकरी पालन के साथ साथ कड़कनाथ भी पाल रहे हैं। ये चूजे हैं कड़कनाथ के, एक ये सेक्शन है। सुनील खोलना है। वो वाला भी सेक्शन है। और ये किसान भाई सिरोही नस्ल की बकरियों का सेक्शन है, एक सेक्शन वो है सिरोही नस्ल की। और ये कड़कनाथ घूम रहे हैं, ये बड़े मुर्गी हैं, गंदगी वगैरह खाती रहती हैं। और ये शानदार बरबरी नस्ल की बकरियां हैं। तो जो किसान भाई अगर बरबरी नस्ल मीट पर्पस बिजनेस करना चाहता है तो बरबरी ही पाले, क्योंकि ये बरबरी मांस का उत्पादन अधिक देती है और साल में 2 बार बच्चे देती है और एक ब्यात में 2 या 3 बच्चे देती ही देती है। तो जब भी आप बकरी पालन व्यवसाय करना चाहें किसान भाइयों, तो उसके लिए पहले ये डिसाइड करें कि ब्रीडिंग सेटअप करना है कि अपने को मांस उत्पादन लेना है, जिसको अपन खटीक को या कसाई को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो ऐसे किसान भाई क्या करें कि छोटी ब्रीड ज़्यादा पकड़े, जैसे बरबरी है, ब्लैक बंगाल है। ये ब्रीड क्या है, मांस का उत्पादन अधिक से अधिक देती है, एक सिरोही नस्ल देती है। तो हमारे फार्म से जो कोई किसान भाई अगर बरबरी बकरियाँ लेना चाहें प्रिया गोट फार्म से, तो वैक्सीनेटेड जानवर उपलब्ध कराते हैं हम, और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। और क्वालिटी देखिए आप, ये सारी की सारी फीमेल लोडेड हैं। तो जिस किसी को अगर लोडेड या खाली या किड्स बरबरी नस्ल के चाहिए हो, तो प्रिया गोट फार्म पे संपर्क करें। और बहुत जल्दी हमारे फार्म पे ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज होने वाली है, जिसमें विशेषज्ञ लोग आएंगे फार्म पे और 3 दिवसीय प्रशिक्षण रहेगा। बरबरी के बच्चे भी आना चालू हो गए हैं। ये खड़ी करना, इधर आना भैयो, थोड़ी बकरियों ये देखो, ये बच्चा है बरबरी का, ये इसकी माँ बैठी हुई है। ये सब बकरी खड़ी कर, ये एक ये बरबरी का बच्चा है। और इसमें सिरोही के भी किट्स हैं, ये सारे अभी हुए हैं हमारे फार्म पे, सारे किट्स स्वस्थ हैं। फार्म पे अगर बच्चे स्वस्थ आ रहे हैं वही फार्म सक्सेस है। उसके लिए सही मैनेजमेंट होना चाहिए, कैल्शियम दो, ब्रूटोन दो, एग्रीमेंट फोर्ट दो, संतुलित आहार बनाओ,
बच्चा पेट में हो जब अभी से केयर करना चाहिए, तो उस फार्म पे अधिकतर स्वस्थ बच्चे ही आते हैं। तो ये देखो किसान भाई, अगर इस प्रकार की बर्बरी, जिसको मीट पर्पस बिजनेस करना है तो बर्बरी ही डिसाइड करें। ये बर्बरी जो नस्ल है देखने में भले छोटी रहती है, बाकी मांस का उत्पादन इसका अधिक से अधिक रहता है। तो किसान भाई, ये हमारा फार्म है, और आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे फार्म के नए नए वीडियो देखने का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को किसान भाई सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस सामने उसका गोडाउन दिख रहा है, एक ये गोडाउन है, तो आए विजिट करें फार्म। ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले के पचोकरा गांव में है। धन्यवाद।